Hello my dear student. In my dear student, in this video, we will discuss about the remaining part of this chapter. So let's start. Johnny Z and Krasikud were a well matched pair, stubborn and solitary. Johnny Zay and Krasikud kazu pair well matched pair, stubborn and solitary. Johnny older sister, Missy May, was not fond of the Makkah. She, uh, she would visit them when johnny z and Cressy could were staying in their home on the island of kona और देखो क्या होता है जो जॉनीजे की ओल्ड स्टेट थी मिसी में वो मकाओ को पसंद नहीं करती थी सी उड विजिट देम व्हेन जोनी जे एंड क्रेसिकुड वर स्टेइंग इन देयर होम ऑन द आइसेंट ऑफ कौना और देखो सुकौना का जो उनका घर था गौना में जो उनका घर था जहाँ पे वो लोग रहते थे मीन्स के कौन कौन क्रेजिकुड और जॉनी जे वहाँ पर वो उन लोगों से मिलने मिससी में आया करती थी वैन एवर मसी में वहाँ अराउंड क्रेजिकुड स्क्रिच एट हर मस्सी में के जब कभी भी मिस्सी में के चारों तरफ क्रेसिकुट रहता था अगल बगल कहीं भी रहता था तो वो क्या करता था उसके उसके मतलब उसे ताना मारा करता था देन ही वुड मेक साउंड ऑफ पुलिस siren एंड gun साउथ एंड लव अलाउड और तब वो क्या करता था पुलिस आयरन और गोल मीन्स की बंदूक की आवाज़ें निकालता था जो उस गन जब होती है जो साउंड प्रोड्यूस होती है उस तरह की साउंड निकाला करता था और वो बहुत ही तेज क्या करने लगता था उसके बाद हंसने लगता था मिसी में एज यू कैन इमेज इन वाज नॉट हैप्पी विथ कुड मिसी में जैसा कि आप इमेजिन कर सकते हो कि वो क्यों क्रेजिकुड्स से बहुत ज़्यादा खुश नहीं रहती थी वन आफ्टरनून मिसी मे केम टू विजिट जॉनी जे वैन सी डि नॉट फाइंड हर ब्रदर इन द हाउसाइडेड टू स्लीप इन दार्लर ऑफ फॉर सम फॉर सम टाइम से इग्नोर क्रेजिकड वैन ही डिड नॉट कॉट द टेंसन दैट ही व्रेजिक्टार्टेड मटरिंग एंड देन हाइड बिहड सम बुक्स आगे देखो क्या हुआ एक दो बार जब मसी में आती जॉनी जे से मिलने आई तो और उसने जब उसे नहीं पाया मीन्स कि अपने भाई को नहीं पाया घर में तो उसने क्या क्या एक डिसीज उसने डिसीजन लिया कि वो पार्लर में कुछ समय के लिए सो जाएगी आ, और उसने क्या क्या क्रेजिकुड को इग्नोर किया और जब वन डिड नॉट गॉट द अटेंसन दैट ही वांटेड और जब क्रेजिकुट वो अटेंसन नहीं पाया जो कि वो चाहता था किससे जो मसी में है उससे ओके okay? तो देन वो क्या करता है स्टार्टेड मटरिंग एंड देन हाइड बिहाइंड सम बुक्स तब वो क्या किया मटरिंग भुन बनाना स्टार्ट किया और वो कुछ बुक्स के पीछे छिप जाता है देन अ थिप क्लाइम फ्रॉम द विंडो ऑफ द पार्लर ही स्टार्टेड पुटिंग थिंग्स इन हिज बैग Quietly uh, because क्वाइटली बिकॉज हिट डि नॉट वांट टू वैकअप मेसी में बट द थिप डि नॉट who was hiding behind the books आगे देखो क्या हुआ तब क्या होता है कि एक थिप यानी जो चोर था एक चोर था वो खिड़की से पार्लर uh, की तरफ क्या कर रहा था पार्लर में चढ़ uh, आ रहा था चढ़ रहा था ही स्टार्टेड putting थिंग्स इन uh, his पैक क्वार्टली बिकॉज इट डे नॉट वॉन्ट टू वैकअप मेसी में बट दिप डे नॉट नो अबाउट क्रेजिकुड who was हाइडिंग बिहाइंड द बुक्स आगे देखो क्या हुआ और उसके बाद से जब वो पार्लर में आ जाता है तो वो क्या करता है सामानों को बैग में रखना आ, स्टार्ट कर देता है और बहुत ही ज़्यादा शांतिपूर्वक करता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मसी में क्या हो उठे लेकिन जो चोर था वो क्रेजिक उड के बारे में नहीं जानता था जो कि बुक्स के पीछे छिपा हुआ था आगे देखो आउट ऑफ आउट ऑफ सम यू नोवे यू किल मी लिव मी अलॉन आई कॉल पुलिस यू गो टू जेल इट वॉज फॉलोड बाई द साउंड ऑफ पुलिस सायरन एंड गर्ट सडनली टेरिफाइड द थिप स्टूड एज इफ ही हैड टर्न इन टू स्टोन आगे देखो क्या हुआ तब थी अचानक से क्या होती है एक आवाज़ आती है तुम आ, आ, तुम चोर हो यू किल मी लिव मी अलॉन आई कॉल पुलिस शू गो टू जेल और देखो आगे क्या होता है तब वो आवाज़ क्या थी तुम चोर हो तुम मुझे मार दोगे मुझे अकेला छोड़ो आ मैं पुलिस को बुलाऊंगा तुम जेल चले जाओगे इट वॉज़ फॉलोड बाय द साउंड ऑफ पुलिस आयरन एंड कॉन्सर्ट और ये जो आवाज़ थी वो पुलिस आयरन और कॉन्सर्ट को क्या कर रही थी फॉलो कर रही थी सडनली टेरफाइड द थीप स्टूड एज ए फ्री है टर्न इंटू स्टोन अचानक से वो क्या हो जाता है थोड़ा सा भयभीत होता है और सरप्राइज हो जाता है ओके okay? और वो वहीं पर खड़ा हो जाता है द थीप स्टूड एज ए फ्री है टर्न इंटू स्टोन और वहीं पर क्या होता है खड़ा होता है और अचानक से वो किससे टकरा जाता है स्टोन होता है उससे ओके द थीप चम्प टू स्केप एंड एट द सेम टाइम द सिस्टर सेटअप फ्रॉम द चेयर और जो थीप था जो चोर था वो क्या करता है बचने के लिए जम करता है और उसी टाइम सेम टाइम में जो उसकी सिस्टर होती है मीन्स की जो मसी में है वो क्या करती है चेयर से मार देती है सुट कर देती है सरप्राइज़ द थीप ट्रिप्ड एंड स्ट्रक हिज हेड ऑन द टेबल ही फेंटेड और ये जो uh, चोर था जो कि बहुत ही ज़्यादा क्या था सरप्राइज था ये लड़खड़ाते हुए गिरता है एंड स्ट्रक हिज हेड ऑन द टेबल ही फेंटेड और उसका जो सर था वो टेबल से टकराता है और वो क्या हो जाता है मूर्छित हो जाता है मिससी मी देन कॉल द तो पुलिस हो अरेस्टेड द थी फिलिंग स्टैटिक एड बंग सेव मिससी मे वेन टू तो क्रेसिकुड टू हिम आगे देखो क्या हुआ उसके बाद से जो मिसी में होती है वो पुलिस को बुलाती है जो कि उसे उस चोर को अरेस्ट कर लेती है और अब जो मिसी में थी ठीक है वो अपने आप को वो चूँकि वो सेफ थी ओके okay. तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा क्या रही कर रही थी हैप्पी महसूस कर रही थी मिसी में वैन टू क्रेसिकुड टू बैठी और मिसी में क्रेजिकुड के पास जाती है और उसे क्या करती है सहलाती है बट वाट डू यू थिंक डेड ऑलरेडी इरिटेटेड क्रेसिक टू तो अब क्या होता है लेकिन तुम क्या सोचती हो कि मतलब उसे हमेशा की तरह वो क्या कर रहा था इरिटेट कर रहा है क्रेजिकुड ओके क्रेजिकुड सैड और क्रेजिकुड क्या कहता है यू थीप यू किल मी लि मी अलॉन आई कॉल पुलिस यू गो टू जेल आगे देखो फिर और उसके बाद से आ करके हंसने लगता है मीन्स की गुड क्या कहता है तुम चोर हो तुम मुझे बांट दोगे मुझे छोड़ दो मैं पुलिस को बुलाऊंगा तुम जेल चले जाओगे और उसके बाद से फिर एक तेज़ आवाज़ में क्या करने लगता है हंसने लगता है द पोलिसन दर्ट गुड एंड देन बॉस आउट लॉफिंग दे अंडरस्टूड हाउ मसी मे वॉज एबल टू इस्केप ऑन हर्ट जब पुलिस आ, इस आवाज़ को सुनती है ओके तो वो भी बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाती है सरप्राइज़ हो जाती है और आ, कुछ न, जब समझ जाती है तो वो भी उसके बाद क्या करने लगती है बहुत आ, बहुत तेज़ हंसने लगती है और पुलिस इस बात को समझ जाती है वे लोग इस बात को समझ जाते हैं कि कैसे किसके वजह से मसी में जो प्रॉब्लम्स होती उन प्रॉब्लम से बच पाई है ओके माइडे स्टूडेंट आपका चैप्टर यहीं एंड होता है एंड इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ आपके साइट पर अपलोड कर दिया गया है आप सभी वहाँ से कॉपी क्वेश्चन आंसर को अपने कॉपीज में लिख लें और कंप्लीट कर लें थैंक यू गुड बाय